हाय एंड वेलकम टू कपिल का किचन। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी बनाने वाला हूँ, एक तो वो बहुत जल्दी बन जाएगी, वो है एक चटनी, हमारा देसी वर्जन टमेटो केचप का। ये मैं क्विक बनने वाली टमेटो की चटनी बनाऊंगा आपके लिए, परफेक्ट स्नैक के साथ खाने के लिए, या फिर आप इसे रोटी के साथ खा सकते हैं, और लंच बॉक्सेस में बच्चों को देने के लिए ये परफेक्ट है। चलिए शुरू करते हैं हम टमेटो की इंस्टेंट चटनी बनाना। चटनी बनाने के लिए सबसे पहले पैन के अंदर मैं डालूंगा 2 चम्मच तेल, और फिर डालूंगा मैं 1.5 टीस्पून ऑफ जीरा यानी कि क्यूमिन सीड्स 1.5 चम्मच, और उसके बाद मैं डालूंगा सौंफ यानी कि फेनल सीड्स अबाउट 1/2 टीस्पून। इसे मैं हल्का सा सौते कर लूंगा, तो सौते होने के बाद मैं इसमें ऐड करूंगा थोड़ा सा सॉल्ट एज पर टेस्ट, और रेड चिली पाउडर यानी कि लाल मिर्चों का पाउडर अगेन एज पर टेस्ट, मैं यहाँ 1/2 टीस्पून ऐड कर रहा हूँ। और उसके साथ साथ मैं डालूंगा इसके अंदर 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर यानी कि सूखे धनिया का पाउडर, और क्विकली मैं इसके अंदर बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाल दूंगा। और मैं मिक्स कर लेता हूँ मसालों को, और अब मेरे पास यहाँ पे ये 250 ग्राम्स ऑफ चॉप टमेटोज हैं, टमाटर ये मैं डाल दूंगा, और इन्हें मैं पैन में इसी तरीके से मसालों के साथ सौते करूंगा 1 मिनट के लिए, 1 मिनट। सो टमाटर हल्के हल्के गल गए हैं, नाउ आई ऐड 3/4 कप ऑफ वाटर, और चटनी को मैं पकने दूंगा अच्छे से फॉर अबाउट 10 मिनट्स। टमाटर अच्छे से गल गए हैं, अब मैं स्पैचुला की हेल्प से मुझे जो भी पीसेस इसके अंदर टमेटोज के लगेंगे, जो चंक्स बचे होंगे, उनको भी मैं मैश कर लूंगा हल्का हल्का। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसके अंदर जीरे की, क्यूमिन सीड्स की, तो ये जो चटनी है इसके अंदर टमाटर के साथ साथ जीरे का फ्लेवर जो होता है बहुत ज़्यादा प्रेडोमिनेंट होता है, बट कुछ लोगों को जीरा उतना ज़्यादा पसंद नहीं होता फ्लेवर, तो आप कम कर दें, आप जितना मैंने क्वांटिटी में डाला है आप उसका हाफ डालें। स्वीटनेस ऐड करने के लिए मैं इसके अंदर ऐड करूंगा 2 टेबलस्पून ऑफ शुगर यानी कि चीनी, आप चाहें तो इसके अंदर जैगरी यानी कि गुड़ का भी यूज़ कर सकते हो, या फिर इसे और हेल्दी बनाने के लिए आप इसमें हनी यानी कि शहद भी डाल सकते हो। और मैंने चटनी के अंदर नमक कम रखा था क्योंकि मुझे बाद में काला नमक यानी कि ब्लैक सॉल्ट ऐड करना था, तो ये भी मैं 1/2 टीस्पून ऐड करता हूँ, और इसमें जाएगी काली मिर्च का पाउडर यानी कि ब्लैक पेपर कुटी हुई अबाउट 1/3 टीस्पून। अब मिक्स कर लेता हूँ मैं सब चीज़ों को, और चीनी भी अपना थोड़ा सा पानी छोड़ेगी, तो उस पानी को भी मुझे फर्दर कुक करना है, रिड्यूस करना है, तो 2-3 मिनट और लगेंगे चटनी को पकने में, और चटनी फटाफट बनकर तैयार हो जाएगी। तो ब्यूटिफुल टेस्टी टोमेटो की इंस्टेंट चटनी बनकर बिल्कुल तैयार है, आप भी बनाइए घर पे, एंड शेयर योर फीडबैक विद मी, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें मेरे वीडियोस के नीचे, ताकि मुझे मालूम पड़े कि मेरे वीडियोस आपको पसंद आ भी रहे हैं नहीं आ रहे हैं। सो पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, और उसके साथ साथ शेयर करें विद योर फैमिली विद योर फ्रेंड्स, एंड हमारा चैनल कपिल का किचन को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और उसके साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो एक बार फिर मिलते हैं एक नई एक झटपट बनने वाली रेसिपी के साथ, तब तक खाते रहो खिलाते रहो एंड टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।